to pay homage to our brave soldiers who lived their lives in a suicide bomb attack, which was happened in 14th of this month. Okay? This incident had shook the nation as well as the world. Many foreign dignitaries had also condemned this heinous crime, which was assisted by Pakistan. So today we are gathered here to pay our homage, and we are also thankful to Mukhiya, our Mukhiya, who is present in this occasion. Thank you, sir. मुखिया जी आप जो हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम लोग साथी मिशन के तरफ से आपका स्वागत करते हैं। इस दुख की घड़ी में जो हम लोग सपाली श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं अपने वीर जवानों को, तो नाउ एंड आज अब मिस्टर मिश्र शर्मा कृष्ण। बिना ज्यादा समय लिए सबसे पहले यहाँ सभा में उपस्थित हमारे जिला परिषद नवीन भाई मुखिया जी और हमारे सभी साथीगण, साथ ही साथ सारे स्टूडेंट, देश आज विकट परिस्थिति से गुजर रहा है यह सत्य है, परंतु यह भी एक सबसे बड़ी विडंबना के बीच में सत्य है कि हमारा सैनिक जब तक खड़ा रहेगा तब तक हमारे देश के साथ कुछ नहीं। आज छल के साथ जिस तरह हमारे 42 सैनिकों को अपने शरीर गंवाना पड़ा, आज वो और उनकी कुर्बानी न केवल अविस्मरणीय है बल्कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ छल जरूर हुआ, लेकिन इतना तय है कि भारतीय सेना एक सशक्त सेना है और उसके किए गए कार्यों को हम कभी नहीं भूल सकते। आज वो जिस तरीके से डटे हुए हैं, और यह सत्य है बिल्कुल कि जब तक हम लोगों के शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, हम लोग भारत के नाम रहेगा, क्योंकि भारत ना केवल एक शब्द है, ना केवल एक देश है, भारत हमारा अर्पण है, भारत हमारा वास्तविक दिल का तर्पण है। हम सभी शहीदों के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुलवामा में जो घटना घटा यह मार्मिक, दुखदायी और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उस नुकसान से तो हम उभर नहीं सकते, लेकिन देश के तमाम जनता से यह हम निवेदन करेंगे कि हम लोग उनके प्रति जो भी संवेदना हो सके हम लोग उनको प्रकट करें। इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सभा में उपस्थित लोगों का हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद। और आगे का कार्यक्रम में हम जिला परिषद महोदय, साथ ही साथ मुखिया जी, सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि श्रद्धांजलि सभा को आप लोग आए और इन शहीदों के नाम नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे करेंगे। श्रद्धांजलि सभा उपस्थित में सभा श्रद्धांजलि सभा समाप्त होने के बाद हम लोग थोड़ी दूर स्टूडेंट्स जो बड़े बच्चे हैं और हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर अगले चौक तक जाएंगे, एक कैंडल मार्च के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि देश किसी भी विकट परिस्थिति के साथ खड़ा हो लेकिन हम लोग सब साथ हैं। धन्यवाद। अभी सर उधर ही रहेगी।
आगे उधर हो गया गिरा देते कुछ क्या गिरा वहाँ दिखना चाहिए हाँ गिरा थोड़ा सा एक बार दीजिए ना सब मुखिया जी थोड़ा सा आगे आ जाइए ठीक है अभी उसको क्या लाएं?